आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन जाने का टिकट ले लिया है और उनके समर्थक परेशान हैं कि वे राज्य छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता पर हमला बोलते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इसमें 80 बनाम 20 का ट्रेंड देखने को मिला। सीएम योगी ने कहा कि अब तक हुए चरणों में 80% सीटें भाजपा को मिलती दिख रही है, जबकि 20% सीटों पर अन्य दलों को संतोष करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के पश्चिमी यूपी में घिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया का अपना विश्लेषण है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया को यहाँ का जमीनी विश्लेषण मालूम नहीं है, ये उनको ही पता होता है जो जमीन पर काम कर रहे होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि मीडिया तो 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद हमें 25 लोकसभा सीटें दे ही रहा था, लेकिन सब गलत साबित हुए। भाजपा को 80% से ज्यादा सीटें मिली थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ माहौल होने की बात से इनकार किया और कहा कि यहां तो प्रो इनकम्बेंसी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्ता में रह चुकी पार्टी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। ये जवाब विवाद के बीच खुद के भगवा ड्रेस में रहने के सवाल पर सीएम योगी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, लड़कियां अपने घरों में, बाजार में या फिर छुट्टी के दौरान हिजाब पहन सकती है, लेकिन जब स्कूल में ड्रेस कोड हो तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए। अब तक ये बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।